बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैथ्स पेन में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम नॉर्मल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे कि नॉर्मल मैट्रिसेस क्या होते हैं और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो अ रियल मैट्रिक्स, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ रियल मैट्रिक्स ए इज़ नॉर्मल। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक रियल मैट्रिक्स है, यानी कैसा मैट्रिक्स जिसकी जो एंट्रीज़ हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स से हों। जैसा कि इस ए सेट की जो एंट्रीज हैं सारी की सारी वो सेट ऑफ रियल नंबर में से हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रियल मैट्रिक्स। अ रियल मैट्रिक्स ए इज़ नॉर्मल इफ़ इट कम्यूट्स विद इट्स ट्रांसपोज। अगर वो अपने ट्रांसपोज के साथ कम्यूट करता है तब हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं कि वो एक नॉर्मल मैट्रिक्स है। कम्यूट करने का क्या मतलब है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। जैसे फॉर ए बी इज़ इक्वल टू, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं तो ए बी इज़ इक्वल टू बी ए आ जाए तब हम कहते हैं कि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जो कि कम्यूट करते हैं, यानी इनके अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या अबेलियन लॉ होल्ड करता है। तो अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के साथ, ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की रॉस को कॉलम में इंटरचेंज कर दें या कॉलम्स को रॉस में इंटरचेंज कर दें तो वो हमारे पास उसका ट्रांसपोज आ जाता है। तो अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के साथ कम्यूट करता है उसका क्या मतलब होगा, ये चीज़ कि ए को, ये ए मैट्रिक्स है और जिसके साथ कम्यूट करना है वो उसका ट्रांसपोज है। तो अगर ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें या ए के ट्रांसपोज को हम ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम आता है तो इसका मतलब ए और ए ट्रांसपोज दोनों कम्यूट करते हैं। और जब कम्यूट करेंगे दोनों तो इससे क्या होगा, जो ए मैट्रिक्स होगा वो नॉर्मल होगा। सो इसको चेक करने का एक और भी क्राइटेरिया है, एक तो हम ये चेक करें कि ए मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें और अगर आंसर उनके सेम आ जाएं, ए को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें फिर ए के ट्रांसपोज को इससे मल्टीप्लाई करें, अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो वो कम्यूट करते हैं तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। सेकेंड इनके आसान तरीका ये है कि पहले अगर हम चेक कर लें कि ए हमारे पास क्या सिमेट्रिक है, इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल और स्क्यू सिमेट्रिक, इन तीनों केसेस में जब ए सिमेट्रिक होगा, ए ऑर्थोगोनल होगा या ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए लाजमी तौर पे नॉर्मल होगा। किस तरह से, नॉर्मल होने के लिए हमें क्या कौन सी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है, इस कंडीशन को, ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए। तो पहला केस डिस्कस करते हैं जब ए सिमेट्रिक होगा, अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आएगा, ए के इक्वल आएगा। तो ए के ट्रांसपोज की जगह पे यहाँ पे अगर हम ए रिप्लेस कर दें तो ये इक्वालिटी बन जाएगी, ए इंटू ए इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे भी ए के ट्रांसपोज की जगह पे ए रिप्लेस कर दें तो ए इंटू ए आ जाएगा। तो इस साइड पे भी ए स्क्वायर है और राइट साइड पे भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, यानी जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, नॉर्मल होने की डेफिनेशन को। सेकेंड पे अगर ए ऑर्थोगोनल होगा, ऑर्थोगोनल की हम डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं, ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब आएगा, जब ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ए का ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ जाएंगे तब वो ए ऑर्थोगोनल होगा। इसको अल्टरनेटिवली या इक्वलेंटली हम ये भी लिख सकते हैं, ए का इनवर्स हमारे पास क्या है, ए का ट्रांसपोज, ए का इनवर्स ए का ट्रांसपोज कब होगा, जब ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें जो अब आइडेंटिटी है, या ए के ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। जैसे हम रियल नंबर्स में देखते हैं कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो होता है 1/5। 5 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम 1/5 तब कहते हैं जब 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करें आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, या 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई करें आंसर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, यानी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिले, आइडेंटिटी मिले। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ए है, ये एलिमेंट है और हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, इसका इनवर्स किसको हमने कहा, ए के ट्रांसपोज को। तो जब मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। फिर ए के ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करें, यानी इनवर्स को एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। अब चूँकि इन दोनों का आंसर आइडेंटिटी आता है तो इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो a इंटू ए ट्रांसपोज वो इक्वल आएगा a ट्रांसपोज a के। तो ये वाली जो कंडीशन है और इसकी नॉर्मल होने की वो सेटिस्फाई हो रही है, तो a ऑर्थोगोनल होगा,
तब भी हमारे पास ए नॉर्मल होगा। थर्ड पे है कि ए अगर हमारे पास क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो। स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन का हमें पता है कि जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो इस डेफिनेशन में जहाँ पे ए ट्रांसपोज है उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, माइनस ए रिप्लेस कर देंगे। तो इक्वालिटी इस तरह से आ जाएगी, ए इंटू माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए इंटू ए। तो दोनों साइड पे क्या होगा, माइनस को बाहर ले लें स्केलर को, तो माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू माइनस ए स्केयर आ जाएगा। तो यानी इस केस में भी जो इक्वालिटी है वो होल्ड करती है। तो सिमेट्रिक हो, ऑर्थोगोनल हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, इन तीनों केसेस में जो हमारा मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, नॉर्मल मैट्रिक्स आएगा। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, उसकी एंट्रीज हैं 6 माइनस 3 3 और 6। देन ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये ए का ट्रांसपोज आएगा। ए के पहले कॉलम को हमने पहली रॉ बना दिया, ए के दूसरे कॉलम को हमने दूसरी रॉ बना दिया, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब हमने मल्टीप्लाई किया ए को उसके ट्रांसपोज के साथ, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, फिर माइनस 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 9 आ जाएगा, तो वो 45 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, 6 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 18 आ गया, फिर माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ वो माइनस 18 आ जाएगा, 18 माइनस 18 ज़ीरो हो जाएगा। फिर हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ 18 आ गया, फिर 6 को मल्टीप्लाई किया माइनस 3 के साथ वो माइनस 18 आ गया, उसका आंसर ज़ीरो हो गया ऐड करने के बाद। फिर हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ 9 हो गया, फिर 6 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ वो हो गया 36, तो 9 प्लस 36 हो गया 45। तो ये हमारे पास आ गया ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ए ट्रांसपोज है और ये ए है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 36 प्लस 3 3 जार 9, तो 45 हो जाएगा। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 माइनस 3 जार माइनस 18 एंड 3 6 आर 18, तो माइनस 18 प्लस 18 ज़ीरो हो जाएगा। दूसरी रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3 इंटू 6 वो माइनस 18 आ जाएगा और 6 इंटू 3 वो प्लस 18 आ जाएगा, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह माइनस 3 इंटू माइनस 3 वो प्लस 9 आ जाएगा और 6 इंटू 6 वो 36 आ जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब ए इंटू ए ट्रांसपोज उसका आंसर भी ये आ रहा मैट्रिक्स, और ए इंटू ए ट्रांसपोज इसका आंसर भी ये आ रहा। तो ए ट्रांसपोज ए वो इक्वल आ गया ए इंटू ए ट्रांसपोज के, तब हम कहेंगे कि जो ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। ए सिमेट्रिक है, अब देख लेते हैं ये ए सिमेट्रिक है या नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो ये मैट्रिक्स आएगा। अब ये ए ट्रांसपोज है और ये वाला ए है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब अभी यहाँ पे जो हमारे पास केस है वो सिमेट्रिक वाला डिस्कस नहीं हो रहा। ए स्क्यू सिमेट्रिक है, चेक कर लेते हैं। जो ए का ट्रांसपोज है उसका हम नेगेशन ले लेते हैं, तो इस ये ट्रांसपोज है इसमें से माइनस का साइन बाहर ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा और प्लस का 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए वो स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक वाला भी नहीं है। तो ए यहाँ पे इसका मतलब है ऑर्थोगोनल होगा, उसको भी हम चेक कर लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। ये ए मैट्रिक्स है, इसका हम निकालते हैं जी इनवर्स। पहले इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, 6 6 36 36 और ये प्लस 9 हो जाएगा 45। तो ए का जो ट्रांसपोज आएगा वो आएगा 45। अब ऊपर एडजॉइंट ले लेते हैं, एडजॉइंट में क्या करेंगे, ये 6 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये भी 6 ही रहेगा। इसको जब हम डिवाइड करते हैं इसके डिटरमिनेंट के साथ 45 के साथ, तो जो आंसर आता है वो अगेन ए के ट्रांसपोज के इक्वल नहीं आता, यानी इस केस में जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो ना तो सिमेट्रिक है, ना ऑर्थोगोनल है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ए सिमेट्रिक हो तभी ए नॉर्मल होगा, या ए ऑर्थोगोनल हो तभी नॉर्मल होगा, या ए स्क्यू सिमेट्रिक हो तभी नॉर्मल होगा। यानी ये वो वाले केसेस हैं जिनमें अगर ए सिमेट्रिक होगा तो लाजमी तौर पर नॉर्मल होगा ही होगा,
ए ऑर्थोगोनल होगा या ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तब तो ए हमेशा नॉर्मल होगा ही होगा। इसके अलावा भी मैट्रिसेस ऐसे मौजूद हैं हमारे पास जो अगर सिमेट्रिक नहीं भी हैं और ऑर्थोगोनल नहीं भी हैं, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं भी हैं, तो उनके अंदर क्या होता है वो नॉर्मल होते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।